आजमगढ़ जिले के पलहना विकासखंड में स्थित ग्राम सभा डूभाव की सड़कें जर्जर अवस्था में हैं। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, पता ही नहीं चल पा रहा। बगल में स्थित कम कंपोजिट विद्यालय पर बच्चों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के समय भारी जल जमाव हो जाता है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। डूंभाव से पकड़ी बाजार को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है, लेकिन आज यह उदासीनता का शिकार बना हुआ है। जबकि चुनाव के दौरान वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव ने काफी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन सभी हवा हवाई निकली। आज गांव के लोग इस सरकार से काफी नाखुश दिखे। वहीं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों में महिलाएं, पुरुष तथा बच्चों ने सड़क पर खड़े होकर जमकर विरोध किया तथा वर्तमान सांसद निरहुआ से काफी नाखुश दिखे। नाम बताओ बेटा अपना। मेरा नाम आयुष है। अच्छा, आप कहाँ पढ़ाई करते हो? हम इस कंपोजिट विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। अच्छा अच्छा, ये जो रास्ता है काफी पानी भरा हुआ है, तो किस तरह कितनी समस्या आप लोग को होती है यहाँ पे? बहुत समस्या होती है यहाँ पे, सब बच्चे गिर जाते हैं, सब बहुत जल्दी समस्या। अच्छा, चोट लग जाती है। अच्छा अच्छा, तो बारिश के मौसम में तो पूरा पानी भरा रहता होगा? पूरा भर जाता है, पूरा पढ़ने भी नहीं जा पा रहे, पूरा बरसात हो जा रहा है। अच्छा, पूरा भर जा रहा है, दिक्कत होती है, हम लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कहीं नहीं। पठन आप लोग को काफी समस्या, क्या मांग, क्या चाहते हैं आप? सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं? इसका नाला बनवा दीजिए, इसका नाला बनवा दे, बच्चों को सुरक्षा चाहिए। अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले? प्रमोद कुमार सिंह है, पोस्ट पकड़ी थाना चरवा जिला आजमगढ़। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों? समस्या ये है कि कारण से डूभा मोड़ से पकड़ी चकड़ी कारण से रोड बना है PWD, तो उसमें कारण से डूभा है, बस डूभा में कारण से पानी लग रहा है। उसमें लड़के बच्चे लड़के कारण से सब गिर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जा रहे हैं, नाला भी बढ़ गया है। नाला नहीं बना है। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ अभी तक आपने की है? कहीं ना भर है, आज अनन रहू जी कारण से देख के गई ना, और सबसे हमारे को पता ना लगा कि कारण से का हुई का ना जाए। प्रधान से पूछने के बाद प्रधान कस्मा भाई बजते रहा, न कोनो बात है, न नाला बन पाई, न रोड बन पाई। अच्छा, यही मारे हमारे कारण से कुल प्रक्रिया शुरू कर। तो PWD का मामला तो प्रधान क्या कर, इसकी लिखित शिकायत कहीं आपने किया? कहीं ना, PWD वाले यहाँ से सोजरबा के द्वारे से कन्या पाठशाला तक के कारण से लिख के ले गए, RCC कराओ खास बहन को पता ना चला। हाँ, तो ग्राम सभा में चुनावी चर्चा के दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ काफी कई बार डूबा में आए थे, क्या उनको इसकी सूचना दिया आप लोगों ने? एकदम देखत हूँ, आश्वासन भी चले हुआ गए हूँ, बगल में भी सबके घरे बैठल हूँ, उठल हूँ, लेकिन आज सुनत ना हम केव का न केव जात है। अब देख ले ना हो तो फिर हमारे बताओ जाओ करे ऊपर। संतोष सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? इतनी बड़ी तादाद में पुरुष, महिला, बच्चे इकट्ठा हुआ किस लिए हुए हैं? क्या समस्या है ग्राम सभा की? समस्या सब बहुत बड़ा है, नाला का हम लोग के गांव में नहीं व्यवस्था, पानी गिर रहा है बहुत दिन से। आप ब्लॉक प्रमुख जी या प्रधान जी सबसे रिक्वेस्ट हो चुका है, मगर कोई भी इस पे नहीं ले रहा है और न तो इसका निवारण हो रहा है। आप लोग से हमारा निवेदन है कि हमारे गांव का समस्या का समाधान किया जाए। बच्चे लोग, औरत लोग, सभी लोग जाते हैं गिरते हुए, आप लोग से हमारा बहुत बहुत अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द इसका निवारण कीजिए। और आपसे जो भी हो, तो यहाँ के सांसद से कभी आपने मिला इस प्रकरण को लेकर? सांसद जी को भी पत्रकार से बहुत महत्व, कितना बार आते जाते लोग सब देखते हैं, कोई इस पर निर्णय नहीं ले रहा। क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है हमारी, आप समस्या यही है, नाला चाहिए हम लोग को, गांव का पानी निकास हो जाए अच्छा से, पब्लिक को अच्छा से जाने का आने का रास्ता बन जाए। ये चाहिए कि ये रोड सही हो जाए, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, बनारस भी जाने में ये दिक्कत हो रही है, हम लोग को ये परेशानी है, ये रास्ता आप लोग सही कर दें। हाँ, आप लोग के बड़े रहते हुए हम लोग को ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ की रोड सही नहीं है। हाँ, आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे लोग की द्वार सही कर दें। तो इस तरह से तो नहीं होगा, इसके लिए तो आप लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। हम उठाएंगे उठाएंगे, बच्चे गिर जा रहे हैं, 4-5 साल के बच्चे स्कूल आते हैं गिर जाते हैं, कुछ तकलीफ होता है। अब बताइए गाड़ी जाएगी तो हम लोग कहाँ से जाएंगे? रोड रहना चाहिए ना, बारिश इतना है कि उस कपड़ा भी गंदा हो जा रहा है। हाँ, तो आपसे बस एक कृपया कि आप हम लोग की बातें मान लीजिए, आना जाना सबको है इसी रास्ते। आप हमारी मांगे पूरा करो, हम आवाज़ देंगे।